रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग को खत्म करवाने की कोशिश सबसे ज्यादा भारत ने की है, और अगर दोनों देशों की जंग खत्म हुई तो उसमें भारत की बड़ी भूमिका होगी। और इस बात को पूरी दुनिया तो पहले से ही मानती है, लेकिन अब नोबेल प्राइज कमेटी ने भी शांति के लिए किए गए पीएम मोदी के प्रयासों की जमकर सराहना की है और उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार का सबसे बड़ा दावेदार बताया। पीएम मोदी को नोबेल शांति पुरस्कार पूरे देश के लिए गौरव की बात होगी। भारत ने रूस और यूक्रेन के बीच शांति का प्रयास ऐसे वक्त में किया और कहा जब जिस वक्त अपनी सीमाओं और चीन पर पाकिस्तान का खतरा मंडरा रहा है। नोबेल कमेटी के डिप्टी लीडर असल तेजो ने कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह रूसी प्रेसिडेंट को जिस तरह युद्ध के बारे में समझाया वो काबिले तारीफ है। उन्होंने बिना कोई धमकी दिए परमाणु युद्ध के परिणामों के बारे में सख्त संदेश दिया। हमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इस तरह के लीडर्स की ज्यादा जरूरत है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए नोबेल कमेटी के नेता असल तेजो ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी नोबेल शांति पुरस्कार के प्रबल दावेदार हो सकते हैं। तेजो ने कहा कि पीएम मोदी बेहद भरोसेमंद नेता हैं, जो शांति स्थापित कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी दुनिया के बड़े राजनेताओं में से एक हैं और शांति के लिए बड़ा योगदान दे रहे हैं। नोबेल कमेटी के लीडर ने भारत को एक विकसित देश बनाने में योगदान देने के लिए भी काम किया है और इसके लिए पीएम मोदी की सराहना की। भारत को शांति की विरासत बताते हुए असल तेजो ने कहा कि भारत का महाशक्ति बनना तय है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि युद्ध रोकने के लिए पीएम मोदी सबसे भरोसेमंद नेता हैं और वे दुनिया में जरूर शांति स्थापित कर सकते हैं। तेजो ने कहा कि मुझे खुशी है कि मोदी न केवल भारत को आगे ले जाने के लिए काम कर रहे हैं बल्कि उन मुद्दों पर भी काम कर रहे हैं जो दुनिया में शांति के लिए महत्वपूर्ण हैं। दुनिया को भारत से सीखने की जरूरत है। ये निश्चित है कि भारत एक महाशक्ति बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, News of India.